Hello, my dear students, welcome back. This video is for the students of class 1st, subject maths, chapter 3, addition 1 to 20, and it's a lecture number 10. So students, in this video our subtopic is word problems. In this video I'm going to introduce word problems to you. Is video mein hum word problems ko डिस्कस करेंगे ओके वट इज वर्ड प्रॉब्लम हाउ टू सोल्व दैम सो दीज ऑल थिंग्स विल बी डिस्कस्ड इन दिस वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल कंप्लीटली डिलीवर अ लेक्चर ऑन वर्ड प्रॉब्लम्स लेटर ऑन वी विल डिस्कस द होमवर्क सोल्यूशन ऑफ प्रीवियस लेक्चर सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द बुक ओके स्टूडेंट्स नाउ लेट्स डू अ बुक एक्सरसाइज दैट इज word problems word word problems problems what is word problem word problem is a problem in which words are included means in which statements are included in which lines are included in which sum is presented in the form of sentences in the form of question in the form of वर्ड्स सो जिसमें आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है वर्ड्स की फॉर्म में मीन्स जिसमें आपको सेंटेंस के थ्रू क्वेश्चन पूछा जाता है उन क्वेश्चन के अंदर उन सेंटेंसेस के अंदर क्वेश्चन हाइड होते हैं दो यू हैव टू फाइंड दीज क्वेश्चन एंड देन सॉर्ट आउट देम सो यू हैव टू फाइंड द आंसर ऑफ दीज क्वेश्चन सो दीज आर द वर्ड प्रॉब्लम्स सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग वट इज वर्ड प्रॉब्लम एंड हाउ दे लुक्स लाइक हाउ दे लुक लाइक And how to solve the word problem. So the first one I am going to read here. You have to read with me. So let's start. R-I-T-I-K-A. Ritika. H-A-S. Has. Five. Five means five. C-H-O-C-O-L-A-T-E-S. Chocolates. A-N-D. And M. डबल ई एन ए के एस एच आई मीनाक्षी एच ए एस हैज फोर सी एच ओ सी ओ एल ए टी ई एस चॉकलेट्स एच ओ डब्ल्यू हाउ एम ए एन वाई मैनी सी एच ओ सी ओ एल ए टी ई एस चॉकलेट्स डी ओ डू T H E Y they, H A V E have, I N in, A double L all and it's a question mark. Okay, so what is he saying? Ritika has five chocolates. Ritika ke paas five chocolates hai. Okay, has means kisi ke kuch pass ho na. To Ritika ke paas kitne chocolates hai? Five chocolates. And Meenakshi has four chocolates. और जो मीनाक्षी है उसके पास फोर चॉकलेट्स है ये रितिका ये मीनाक्षी मीनाक्षी के पास फोर चॉकलेट है रितिका के पास फाइव चॉकलेट्स है सो हाउ मेनी चॉकलेट्स डू दे हैव इन ऑल तो उन दोनों के पास टोटल कितनी कुल कितनी चॉकलेट्स होंगी ओके सो स्टूडेंट्स नाउ हियर यू कैन नोटिस दैट कि यहाँ पर टू बच्चे हैं और टू बच्चों के पास अलग अलग काउंट नंबर की चॉकलेट्स हैं किसी के पास फोर है और दूसरे के पास फाइव है ओके सो अब आपको ये बताना है कि दोनों के पास कितनी होगी एक के पास फाइव है दूसरे के पास फोर है तो दोनों की अगर हम काउंट करें अगर हम दोनों की टोटल कर लें अगर हम दोनों की चॉकलेट्स को मिक्स कर देते हैं तो उनके पास टोटल कितनी होगी अब वो शेयर कर रहे हैं ना देख रहे हैं कि हम दोनों के पास टोटल कितनी है अलग अलग तो उनके पास फोर है और फाइव है दोनों के पास अगर हम काउंट करें तो कितनी चॉकलेट्स होंगी और जब हमें दोनों का टोटल फाइंड करना तो हमें क्या करना पड़ेगा एडिशन ओके हमें क्या करना होता है ऐड करना होता है उस क्वेश्चन में एडिशन फाइंड आउट कर एडिशन करनी होती है और जब लास्ट में लिखा होता है इन ऑल या इन टोटल या टोटल हाउ मच दे हैव या जो वर्ड लास्ट में लिखा होता है ऑल सो यू हैव टू ऐड देयर दिस इज अ रिकॉग्निशन वर्ड सो यू कैन रिकॉग्नाइज वेरी वेल दैट इफ इट इज रिटन ओवर देयर ऑल टोटल इन ऑल और दिस टाइप ऑफ वर्ड्स So you have to add there. Okay.
सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू प्लेस इट इन वर्टिकल फॉर्म, लेटर ऑन फाइंड द आंसर. फर्स्ट वन इज डन फॉर यू, जस्ट हैव अ लुक हाउ टू डू द सम. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मूव टू द फर्स्ट लाइन. रितिका हैज फाइव चॉकलेट्स. रितिका के पास कितनी चॉकलेट्स हैं? फाइव चॉकलेट्स. ओके, मीनाक्षी के पास कितनी चॉकलेट्स हैं? फोर चॉकलेट्स. रितिका के पास फाइव, मीनाक्षी के पास फोर. अब अगर हमने दोनों की टोटल करनी है तो हमें कौन सा साइन पुट करना होता है? प्लस. ओके, सो फाइव को माइंड में रखेंगे. फोर फिंगर्स ओपन आफ्टर फाइव, सिक्स आफ्टर सिक्स, सेवन आफ्टर सेवन, एट आफ्टर एट, नाइन. सो द आंसर इज नाइन. फाइव प्लस फोर इज इक्वल टू नाइन. इन द आंसर THEY, they, HAVE, have nine. Here is the answer, nine chocolates in all. तो उनके पास टोटल कितने चॉकलेट्स हुए? नाइन चॉकलेट्स. ओके, सपोज कि आपके पास फाइव चॉकलेट है, ब्रदर के पास फोर चॉकलेट है, तो आपने दोनों की चॉकलेट को मिक्स किया ना, मैं मिक्स करके आपको देखा कि आपके पास कितने चॉकलेट्स हुए? नाइन चॉकलेट्स. ओके स्टूडेंट्स, so do the next one. Here is the second. It is the box for this question. THERE there, ARE two, MATHE, MATICS mathematics. Mathematics means maths. BOOKS books. Books means kitabe. ANG and three. ENGLISH English. BOOKS books. ON on. THED TABLE table. There are two mathematic books. Look at here. Two maths ki book hai. And three English books. वन टू थ्री. थ्री इंग्लिश की बुक्स है. ओके, टू मैथ्स बुक्स हैं, टू इंग्लिश बुक्स हैं. एच डब्ल्यू हाउ, एम एन वाई मैनी. हाउ मैनी मीन्स होता है कितनी. बी डबल ओ के एस बुक्स, ए आर ई आर, टी एच ई आर ई देयर, आई एन इन, ए डबल एल all. So as you have noticed here, all is also here. All means total, means sari, kul, kitni hai, sabhi kitni hai. Okay, so this word if comes in your question, in your statement, means you have to add there. You have noticed here all, all is here also. So all means total, kul kitni hongi, sari kul milakar. To kul milakar jab hum dekhte hain, so that's mean we have to add there, we have to do फॉरवर्ड काउंटिंग, वी हैव टू एडिशन देयर. हमें वहां पे जमा करके देखना होता है, मीन्स जोड़ करके, मीन्स एड करना होता है. ओके, नाउ वी हैव टू फाइंड आवर आंसर. हाउ मेनी टोटल बुक्स आर हियर, हाउ मेनी टोटल बुक्स आर देयर. सो टू मैथमेटिक बुक्स एंड थ्री इंग्लिश बुक्स. वी हैव प्लेस्ड हियर थ्री, three English books, two mathematic books. It is the number of math books. It is the number of English books. Okay, three plus two, we have to find the answer. As you can count in the pictures, one, two, three, four, five. As well as you can solve the sum here. Keep three in your mind. Open two fingers and two fingers are here. After three, four. After four, five. So the answer is 5. We will write here 5 like this. Next one, THERE, there, ARER, 8, DUCKS, ducks, IN, in, SIDE, side, inside, THE, the, POND, pond, AND, and 5, D,
यू सी के एस डक ओ यू टी आउट एस आई डी ई साइड आउटसाइड टी एच ई द पी ओ एन डी पोंड देयर आर एट डक्स इनसाइड द पोंड एट डक्स पानी के अंदर है इनसाइड मतलब अंदर की तरफ पानी के अंदर है एंड फाइव डक्स आउटसाइड द पोंड और फाइव डक आउट पॉन्ड के बाहर है आउटसाइड है आउटसाइड मीन्स बाहर एच ओ डब्ल्यू हाउ एम ए एन वाई मैनी डी यू सी के एस डक्स ए आर ई आर टी एच ई आर ई देयर आई एन एन ए डब्ल एल ऑल सो हाउ मैनी डक्स आर देयर इन ऑल अगेन द वर्ड इज हेयर ऑल So all means total means we have to find the total. So आपको ये find out करना है कि total all सारी कितनी ducks हैं. Okay. So here is the sum. Students, look here. I forgot to mention the answer here. So we have to mention the answer here also. Okay. Now let's solve this sum. There are 8 ducks inside the pond. And five duck outside the pond. Eight duck पानी के अंदर है पॉन्ड के अंदर है और फाइव बाहर है तो टोटल कितनी होंगी अंदर और बाहर दोनों को मिलाकर टोटल कितनी ducks होंगी वी हैव टू फाइंड दैट कि अंदर और बाहर अगर हम दोनों तरफ की ducks को काउंट करेंगे तो टोटल कितनी ducks होंगी ओके फॉर दैट वन वी हैव टू एड दैम सो एट ducks वी हैव Return here 8 and 5. Now we have to find the answer. What will be the answer? So first of all, keep. We have placed it in vertical form. Vertically we have arranged it. Now we have to find the answer. So first of all, keep 8 in your mind. Open 5 fingers. 1, 2, 3, 4 and 5. So here we have. Five fingers, eight हमारे mind में है, five fingers open है हमारी. Now we will count forward to eight. अब हम eight से आगे forward counting करेंगे. After eight, 9, 10, 11, 12, and 13. My all fingers closed now. So the answer is 13. And how to write 13? 1, 3, 13. From the very right hand side, we will write here 3. 8 और 5 के बिल्कुल नीचे बेटा हाउ टू राइट 13 देखो 8 है 8 के बिल्कुल नीचे 5 राइट किया हुआ 3 भी आप उसके बिल्कुल नीचे राइट करेंगे और 1 इससे थोड़ा आगे मींस 10th प्लेस की तरफ ओके अगर हम यहाँ पे प्लेस मेंशन करें मैम आपको प्लेस मेंशन कर रही है 1s एंड 10s सो 3 एट द 1s प्लेस एंड 10s प्लेस पर 1 बिकॉज एज यू ऑल नो दैट 13 इज 2 डिजिट नंबर 13 is a 2-digit number, okay, in which 2 digits we have. And how to write 2-digit number? Yes, on 2 places, 1's place and 10's place. So, 13 we will write like this. 3 at 1's place, 1 at 10's place. Okay, students? So, in answer, ANS, answer, there are dash... ducks in all तो total कितने ducks हैं total आप हमें बताएंगे yes you will tell me total कितने ducks हुए we have counted here 8 inside 5 outside तो total कितने हुए अंदर और बाहर दोनों को मिला के कितने हुए how many ducks are total yes the answer is 13 so we will write here 1, 3, 13 big and beautifully so we can say there are 13 ducks in all total kitne ducks hue 13 come to the next one t h e r e there a r e r 5 b a double l s balls there are 5 balls hote hain beta bat ball So, 5 balls, 6, B-A-T-S,
बैट्स, कितने बैट्स हैं? सिक्स बैट्स हैं, ए एंड डी एंड थ्री एस एच यू डबल टी एल ई एस शटल्स इन अ एस एच ओ पी शो. वट इज ही सेइंग? वट इज ही सेइंग? देयर आर फाइव बॉल्स, सिक्स बैट्स एंड थ्री शटल्स इन अ शॉप. एक शॉप है, उसके अंदर सिक्स बॉल, फाइव बॉल्स हैं, सिक्स बैट्स हैं और थ्री शटल्स हैं. शटल को होते ना शटल, सो थ्री शटल्स हैं. एच ओ डब्ल्यू हाउ, एम ए एन वाई मैनी, एस पी ओ आर टी स्पोर्ट, आई टी ई एम एस आइटम्स, ए आर ई आर, टी एच ई आर ई देयर, आई एन इन, ए डबल एल ऑल. अगेन द वर्ड इज हेयर ऑल. ऑल मीन्स टोटल. ओके, सो देयर इज अ शॉप. इन द शॉप देयर आर फाइव बॉल्स. फाइव उनके पास बॉल्स हैं, सिक्स बैट्स हैं एंड थ्री शटल्स हैं. ओके, ऐसे करके शॉप में इतना स्पोर्ट उनके पास मटीरियल है. Now, what do we have to tell them? How many sport item are there in all? तो उस शॉप में टोटल कितने स्पोर्ट आइटम होंगे? ओके, कितने स्पोर्ट आइटम होंगे? वो सारे स्पोर्ट आइटम हमें काउंट करके बताने हैं. ऑल मीन्स टोटल. वी हैव टू एड दैम ऑल. हमें उन सबका टोटल करना है. एज बिकॉज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर दैट ऑल मीन्स टोटल. वी हैव टू फाइंड दी Yes, addition there. So, let's start. Here is the sum. Here is the vertical arrangement of numbers. 5 balls, 6 bats, 3 shuttles. Okay, 5 balls, 6 bats and 3 shuttles. Now, it is the sign of plus. So, we have to add them all. So, look at this sum. It is three number. So as we did in the previous video, similarly we will do here. Hide the last number, we will hide the last number. Okay, so let's hide the last number and add the both numbers. इन दोनों को हम add करके write करेंगे. Okay, so 5 को mind में रखेंगे. 6 fingers open. 5 को mind में रखा. Six fingers open. 1, 2, 3, 4, 5 and 6. Now add. Which number is in our mind? 5 हमारे mind में. 5 से आगे 6, 7, 8, 9, 10, 11. All fingers down. The answer is 11. We will write here 11. Now 11 plus 3. अब हमें 11 को माइंड में रखना है. 3 फिंगर्स ओपन. आफ्टर 11, 12, 13, 14. सो द आंसर इज 14. 14 वी विल राइट लाइक दिस. वन दिस फॉर दिस साइड एंड वन हेयर. वंस प्लेस, टेंस प्लेस. 4 एट द वंस प्लेस, 1 एट द टेंस प्लेस. ओके, so the answer, there are dash sport items in all. Total how many sport items are there? 14. We will write here 14 beautifully and in big letter. So students, now here we have done our statement sums, our word problems. Hope you all have understand, you all have understood it. If you have any confusion, if you have any doubt, you can ask in the comment section. I am eagerly waiting for your comments. So, if you are unable to understand it, if you are facing any kind of difficulty, comment me and I will sort out your all issues. Okay, students, so now it's time to take homework. Your homework is read page number 35. It is page number 35. This is page number 35. You have to read this page carefully
यू हैव टू टेक अ रीडिंग ऑफ दिस पेज एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड. सो यू हैव टू रीड दिस पेज. नाउ लेट्स डिस्कस द होमवर्क सॉल्यूशन ऑफ प्रीवियस लेक्चर, मीन्स लेक्चर नंबर 9. इन लेक्चर नंबर 9 इट वॉज योर होमवर्क एडिशन. यू हैव टू डिड हेयर एडिशन, यू हैव टू डन हेयर एडिशन. सो लेट्स सोल्व इट. आई होप यू ऑल हैव डन. लेट्स मैच विद मी. 3 + 2 + 2 3 + 2 3 को माइंड में रखेंगे. लास्ट नंबर वी विल हाइड. 3 को माइंड में रखेंगे. 2 फिंगर्स ओपन. 1 2 3 के बाद 4 4 के बाद 5. सो विल राइट हेयर 5 5 को माइंड में रखा. 2 फिंगर्स ओपन. आफ्टर 5 6 आफ्टर 6 7. सो द आंसर इज 7. वी हैव टू राइट हेयर बिग बिग टचिंग टू द लाइन. 4 + 1 + 2 कीप 4 इन योर माइंड. हाइड द लास्ट नंबर. कीप 4 इन योर माइंड. ओपन 1 फिंगर. आफ्टर 4 5. सो वी विल राइट हेयर 5. नाउ कीप 5 इन योर माइंड. ओपन 2 फिंगर. आफ्टर 5 6 आफ्टर 6 7. अगेन द आंसर इज 7. नाउ 2 + 3 + 0. हाइड द लास्ट नंबर. 2 को माइंड में रखेंगे. 3 फिंगर्स ओपन. 3 फिंगर्स ओपन. 1 2 3. आफ्टर 2 विच नंबर कम्स? 3 4 5. ऑल फिंगर्स डाउन. सो वी विल राइट हेयर 5 0 5 + 0. 5 को माइंड में रखेंगे. 0 फिंगर ओपन. 0 मीन्स नथिंग. सो वी विल नॉट ओपन एनीथिंग. 5 + 0 इज इक्वल टू 5. जब किसी नंबर में 0 ऐड करते हैं तो आंसर क्या होगा? नंबर इटसेल्फ. 4 + 0 + 3 इज इक्वल टू, फाइंड द आंसर. 4 को माइंड में रखेंगे. 0 फिंगर ओपन. 0 मीन्स नथिंग. सो द आंसर इज 4. नाउ 4 को माइंड में रखेंगे. 3 फिंगर्स ओपन. 1 2 3. 3 फिंगर्स ओपन. आफ्टर 4 5. आफ्टर 5 6. आफ्टर 6 7. ऑल फिंगर्स डाउन. सो द आंसर इज 7. ओके स्टूडेंट्स, सो हियर वी हैव डिस्कस्ड द होमवर्क सॉल्यूशन इन प्रीवियस लेक्चर ऑल्सो. सो इट्स माई रिक्वेस्ट टू सब्सक्राइब आवर चैनल, हिट द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट, एंड शेयर दीज वीडियोज विद योर फ्रेंड, विद योर रिलेटिव, एंड शेयर द पेज ऑन फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड अदर ट्विटर एंड अदर हैंडल्स. सो टिल द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर.